फ्रेंड्स वेलकम। तो आज हम आ चुके हैं जंगल के बीच में, चारों तरफ आप मेरे देख रहे हैं पूरा जंगल। तो आज हम आ गए हैं नैनीताल के एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, जो है यहाँ पे का किलबरी बर्ड सेंचुरी है, जो यहाँ नैनीताल पे काफ़ी फेमस है बर्ड वॉचर्स के लिए, और जो यहाँ के क्या कहते हैं नेचर लवर हैं और बर्ड्स लवर हैं तो यहाँ आते हैं अपने बर्ड्स वॉच करने के लिए। तो हर समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है टूरिस्टों की बर्ड्स वॉच करने के लिए। अभी तो फ़िलहाल अभी हमको कोई बर्ड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे रोड में खड़े हैं। तो यहाँ पर काफ़ी डीप फॉरेस्ट है, जैसा कि आप चारों तरफ देख रहे हैं। तो ये बर्ड सेंचुरी जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस बर्ड सेंचुरी का पूरा जंगल नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जाना जा रहा है यहाँ पे आजकल। तो यहाँ पे लगभग 580 टाइप्स की स्पीसीज़ बर्ड्स की पाई जाती हैं, जिसमें हो गई यहाँ पे उल्लू मिलता है, उसमें फीजेंट हो गई, और तो ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है, खैर बहुत सी प्रजातियाँ हैं क्योंकि 550 टाइप्स की। तो उसमें उल्लू फीजेंट है और बुलबुल हो गई, तो काफ़ी प्रकार की यहाँ पे चिड़ियाएँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर चिड़ियाओं के साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े मैमल्स भी, जिसमें तेंदुआ हो गया, बार्किंग डियर हो गए, सांभर हो गए और हिरन हो गए, और शायद भालू भी कुछ थोड़े हल्के फुल्के पाए जाते हैं इस जंगल में, क्योंकि काफ़ी खतरनाक घना जंगल है यहाँ पे। और यहाँ पर काफ़ी आप देखते हैं, जब भी मैं लगभग यहाँ आता हूँ, पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि ये बर्ड कंजर्वेशन है, तो जब भी मैं यहाँ आता था तो हमेशा यहाँ कुछ फोटोग्राफर्स अपने बड़े बड़े लेंसों के साथ दिख जाते हैं। तो काफ़ी यहाँ चिड़ियाएँ पाई जाती हैं, तो काफ़ी नेचर लविंग एनवायरनमेंट है यहाँ पे का, काफ़ी शांत और काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे। तो चलिए आगे को चलते हैं, अब इसमें देखते हैं क्या क्या कौन कौन सी चिड़ियाएँ दिख पाती हैं हमें आगे की तरफ। चलिए चलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं किलबरी से थोड़ा आगे, और हमको यहाँ पे मिल चुका है एक बहुत सुंदर सा नैना देवी जलकुंड किलबरी जलाशय, जिसे कहा जा रहा है, जिसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पर विशुल्क लिखा हुआ है, भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए अलग अलग। तो देखिए बड़ों के लिए 50 रुपये, बच्चों के लिए 25, और विदेशी वयस्कों के लिए 100 एंड चाइल्ड्स के लिए 50 रुपीज़। तो काफ़ी सुंदर बना हुआ ये जलाशय यहाँ पे। तो ये जो लेक देख रहे हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा डेवलप की गई है यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, तो यहाँ पे पानी जम जाता था बरसात में, तो अब इसको यहाँ पे रोक दिया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको डेवलप कर रहा है यहाँ पे। तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और टूरिस्टों के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग सब काम तो लगभग हो ही चुका है, क्योंकि रेट भी बता दिए गए हैं यहाँ पे कि एंट्री शुल्क क्या है। तो अभी कुछ दिनों में शायद जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, फिर मैं आऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम अभी किलबरी से थोड़ा आगे की तरफ आ चुके हैं, 2 से 3 किलोमीटर आगे, और इससे आगे अभी पंगू भी पड़ता है। तो अभी हम डीप फॉरेस्ट में आ चुके हैं वैसे, तो अभी हमने सोचा कुछ चिड़ियाँ क्या पता हमको दिख पाएँ, तो ऐसे तो हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी घना जंगल है। और यहाँ पर पाइन ट्री, ओक ट्री और बुरांस, इसकी पाइन ट्री हो गया सुरैया देवदार, और ओक ट्री हो गया बाँस के पेड़। तो काफ़ी घना जंगल है बाँस, सुरैया और देवदार का, और बुरांस के काफ़ी पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो अभी चिड़ियाँ तो हमें कोई नहीं दिख पाई यहाँ पर, ऐसे हम इनको देख भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि ना हमारे पास अभी कुछ बायोनोक्यूलर्स भी नहीं है और कुछ ऐसे कैमरे भी नहीं है हमारे पास बड़े, और गोप्रो उसको फाइंड नहीं कर पाएगा इस चिड़ियाओं को। पर काफ़ी बर्ड वॉचर आते हैं यहाँ पे और फोटोग्राफ लेके उनकी वीडियो बनाते हैं। तो आपको भी आना चाहिए वैसे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा प्लेस है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे
रात को ठहर भी सकते हैं और आपको यहाँ पे मिल जाएगा टूरिस्ट रेस्ट हाउस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा संचालित होता है जो, और काफ़ी यहाँ पे पंगूट में भी काफ़ी क्या कहते हैं रिजॉर्ट बने हुए हैं, तो आप यहाँ रात को रुक भी सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी ये, तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे का। अभी तो चारों तरफ से केवल जंगल ही जंगल दिख रहा है, काफ़ी सुंदर जंगल। तो और अब हम ये जंगल के बीच में, ये देखिए रोड में आ चुके हैं अभी हम जंगल से निकल के, तो यहाँ से भी इतना जंगल सारा दिखाई दे रहा है। और इससे कुछ ही दूरी पे लगभग पड़ जाता है यहाँ पे से पंगूट, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं होम स्टे के तौर पे, और काफ़ी रिजॉर्ट भी हैं, और वही मैंने जो आपको बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाता है जो रेस्ट हाउस, वो भी किलबरी पे मिलता है। किलबरी से थोड़ा हम आगे आ चुके हैं लगभग 1 या 2 किलोमीटर लगभग अभी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे से किलबरी का वन विश्राम भवन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, तो आप यहाँ पे भी रुक के यहाँ बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे से शुरू हो जाता है किलबरी का एरिया। तो फ्रेंड्स, आज का ये किलबरी टूर लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा, अब जाने का समय हो चुका है क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई है, काफ़ी समय पहले से आ गए थे हम। तो हमको कुछ चिड़ियाएँ देखने को मिली पर एक कैमरे पे आ नहीं पाई क्योंकि काफ़ी घना जंगल है और एक कैमरा शायद उतना फोकस नहीं कर पाया उन क्या कहते हैं चिड़ियाओं पे। तो हमको देखने को आज वैसे यहाँ पे एक सांभर भी मिला था पर वो भी कैमरे पे नहीं आ पाया क्योंकि उसमें कैमरा ऑन नहीं था। तो काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी जानवर पाए जाते हैं। तो ज़रूर बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, क्योंकि अब इससे लगभग यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर पंगू भी बच गया है, पर आज थोड़ा हमको लेट हो चुकी है तो वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा पंगूट, और आगे को वहाँ कुछ मंदिर भी हैं उनकी तरफ भी मैं आपको ले जाऊँगा और दिखाऊँगा। तो मिलती हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।